तो यार इस लैपटॉप में काफी टाइम से अपग्रेड करने की सोच रहा था और ये लैपटॉप तकरीबन 2 साल पुराना हो चुका है। और जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा कि इसका रिव्यू ऑलरेडी हमारे चैनल पे है एंड इसके गेमिंग टेस्ट वगैरह भी। तो ये लैपटॉप इंटेल i5 9th जनरेशन है, 8GB की रैम है और ये इसकी बाकी की स्पेसिफिकेशंस है। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये लैपटॉप इस स्पेक्स में हमें काफी तगड़ी गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग करा देता है। मेरे पे दूसरा कोई लैपटॉप नहीं है जिससे मैं अलग से स्ट्रीमिंग कर सकूं, सब मैं इसी से करता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रैम अपग्रेड की जाए, बेसिकली 1.5-2 साल बाद लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए या मेंटेन करने के लिए उनमें SSD या रैम अपग्रेड करवा लेनी चाहिए। तो बेसिकली सभी लैपटॉप्स में रैम एंड SSD अपग्रेड करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता है, किसी किसी में थोड़ा अलग होता है। और हाँ, इसमें रैम एंड SSD अपग्रेड करने के लिए अलग से स्लॉट्स दिए हुए हैं, तो आप अपने लैपटॉप में देख लेना स्लॉट्स है कि नहीं, वरना पता चला 4,000-4,000 की SSD मंगवा ली है और लैपटॉप खोला था अंदर स्लॉट ही नहीं। तो यार करते हैं इसे अपग्रेड और देखते हैं परफॉर्मेंस में, गेमिंग में, FPS में, टेम्परेचर में हमें कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये है रैम और ये है SSD और इन्हें खरीदने में फटके हो गई थी। तो यार मैंने इन्हें पहले ही अनबॉक्स करके देख लिया था जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। सो आर यू रेडी गाइस? ओ फट भी गया ये तो, इसको पहनने में लिटरली 10 मिनट लग गए। और गाइस ये ध्यान में रखना कि आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हो तो उसकी वारंटी वॉइड हो सकती है, सो प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वारंटी वॉइड की सील लगी है। गाइस अभी से हम लोग खोलने चाह रहे हैं इस मिनी स्क्रू ड्राइवर से। इस पर्टिकुलर को प्लीज इग्नोर कर देना। इसको ओपन कर रहा हूँ तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमने जो है इसमें से 11 स्क्रूज निकाल लिए हैं और अब इसे बड़े ही प्यार से हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है हमारा इंटरनल व्यू। और 2 साल के अंदर आप लोग देख सकते हैं ज्यादा डस्ट तो नहीं लगी है, लेकिन ये जो डस्ट है वो हम लोग क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग फैन पे देख सकते हैं हल्की सी डस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो है इसके दोनों फैन साफ कर लिए हैं सिर्फ ऐसे ही ब्रश से। और सेफ्टी पर्पस के लिए हम इसकी बैटरी भी जो है निकाल लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रैम का स्लॉट खाली है और यहाँ पर पहले से लगी है 8GB की। और ये वाला SSD, ये दोनों SSD के स्लॉट है जिसमें से ये वाला स्लॉट खाली है अभी। तो हम फटाफट से इसमें से निकाल लेते हैं हमारी रैम। एंड रैम इंस्टॉल करना काफी इजी वर्क है गाइस। तो ये हमने हमारी रैम निकाल ली है और यहाँ से हम मैच करते हैं इसे, यहाँ से हम लोग लगा लेंगे एंड बस यहाँ से क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं हमारी रैम जो है इंस्टॉल हो चुकी है। और यहाँ से हम अभी हमारे SSD का भी स्लॉट ओपन कर लेते हैं। तो हमने जो है दोनों क्रूशियल से मंगवाई है, तो यहाँ से जो है हम हमारी SSD भी निकाल लेते हैं। और यह हमारी SSD भी इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम इसकी लिड वापस लगा देते हैं। तो गाइस बस हमारी रैम और SSD दोनों इंस्टॉल हो चुकी है और अब हमारी बैटरी हम वापस लगा लेते हैं। सो गाइस ऑपरेशन सक्सेसफुल, हमारे लैपटॉप में रैम एंड SSD लग चुकी है और अब ये घोड़े की तरह दौड़ने के लिए तैयार है दोस्तों। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं इसमें रैम एंड SSD लगा रहा था तब मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इतना हार्ड नहीं है इसमें रैम एंड SSD लगाना। आप अपने घर पे लगा सकते हैं बट वारंटी इश्यूज का आप देख लेना। तो अब इसकी मुंह दिखाई कर लेते हैं गाइस। तो अब हम इसमें क्रूशियल की वेबसाइट से स्कैन कर लेते हैं। बेसिकली क्रूशियल जो है वो हमारे लैपटॉप में स्कैन मारेगा और जो भी कंपैटिबल अपग्रेड्स है आपके लैपटॉप के बारे में वो भी बताएगा एंड उसमें हम हमारे लैपटॉप की क्रूशियल परफॉर्मेंस स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके की है क्रूशियल की वेबसाइट। तो स्कैन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से एग्री करना पड़ेगा और स्टार्ट योर फ्री स्कैन। फिर आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारे लैपटॉप में जितने भी कंपैटिबल अपग्रेड्स है वो सब चेक करके अभी बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे लैपटॉप का क्रूशियल परफॉर्मेंस स्कोर आ चुका है एवरेज। और यहाँ पर जो है इसका फीडबैक है और यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेट्स, योर एसर नाइट्रो 7 इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वी हैव सीन।
और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं हमारे लैपटॉप में जितने भी रैम अभी लगी है वो बता देता है, फर्स्ट में एंड सेकंड में दोनों में 8GB की लगी हुई है और यहाँ पर स्लॉट्स भी दोनों भरे हुए हैं। और हमारे लैपटॉप में 64GB तक हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं हमारी रैम को। और नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हैं जितने भी सजेशन है, जो भी कंपेटेबल अपग्रेड्स है आपके लैपटॉप के बारे में वो सब बता देगा। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी SSD या कौन सी जो रैम है वो आप अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस। एंड हाँ गाइस, अभी जो भी गेम हम टेस्ट करने वाले हैं वो हमारे हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल है एंड अभी के टेस्ट में हमारे रैम के रिजल्ट्स का पता चलेगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर गेम SSD में इंस्टॉल हो तो भी हमें परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यार GTA के बिना क्या ही टेस्ट करना। तो यहाँ पर सेटिंग में हाई एंड वेरी हाई का कॉम्बिनेशन है एंड दोनों टाइम हमने सेम सेटिंग रखी है सभी गेम्स में। तो इसमें स्टार्टिंग में तो रैम कंजप्शन कम थी लेकिन एक टाइम के बाद इसकी रैम कंजप्शन काफ़ी तगड़ी बढ़ गई थी एंड रूम टेम्परेचर अराउंड 25-27 के बीच में था लेकिन आफ्टर में जो CPU टेम्परेचर है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे थे एंड FPS में भी हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली। लाइक VSync ऑन था बट पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस थी FPS की। तो यार उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 और इसकी भी डिफॉल्ट सेटिंग हाई एंड अल्ट्रा थी। तो इसमें स्टार्टिंग में ही CPU के टेम्परेचर दोनों के ही अराउंड 85-90 डिग्री थे बट रैम कंजप्शन आफ्टर में ज़्यादा थी। और हाँ FPS इसके कम है लेकिन बिफोर से ज़्यादा है। और हाँ अगर हम इसकी जो सेटिंग्स है वो अल्ट्रा से मीडियम पे कर देंगे तो इसके जो FPS है वो बढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद हमने ट्राई किया फोर्जा हॉरिजॉन 4 क्योंकि इसके भी ग्राफिक्स काफ़ी तगड़े आते हैं। तो यार इस गेम में CPU एंड GPU के यूसेज बिल्कुल कम हो चुके थे एंड रैम की कंजप्शन काफ़ी हद तक बढ़ गई थी बट टेम्परेचर में ऑलमोस्ट कोई डिफरेंस देखने नहीं मिला एंड FPS में तो भैया कोई चेंज देखने मिला ही नहीं क्योंकि इसका पेट 8GB में ही भर जाता है। एंड हाँ इस गेम की CPU GPU एंड रैम की यूसेज काफ़ी डिसेंट है, आपके सिस्टम के हिसाब से ये कस्टमाइज कर देता है। होप आप लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए होंगे। सो विद माय एक्सपीरियंस, अगर आपके लैपटॉप को 1-1.5 साल हो चुका है तो आप अपने लैपटॉप की रैम डेफिनेटली चेंज करें, SSD आपके ऊपर है। एंड हाँ आप अपने लैपटॉप की पता कर लेना क्रूजर की वेबसाइट में कि उसमें कंपेटिबल अपग्रेड्स है कि नहीं। तो यार बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूँ। बस थैंक यू वेरी मच।